Plus. Play now. Hey guys, कैसे हैं आप लोग? Guys, यहाँ पे आप लोग परेशान हो यार, लूट नहीं मिल रहा है क्लैश ऑफ क्लैन में? कोई बात नहीं यार, मैं हूं ना। तो गाइज यहाँ पे काफी लोगों का यहाँ पे कमेंट्स भी आया था और कुछ कुछ लोग पूछ भी रहे थे ये कैसे हम लोग क्लैश ऑफ क्लैन में लूट चाहिए। आप लोग में से काफी लोग बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक अजमा चुके होंगे, जिसमें से एक सबसे फेमस टिप्स एंड ट्रिक में से आता था कि आप लोग अपने माई क्लैन में जाके एडिट में जाकर के अपना क्लैन का लोकेशन चेंज कर दो तो आप लोग को लूट मिल जाता था, या फिर आप लोग विदाउट क्लैन जाकर के फार्मिंग करो तो आप लोग को ज़्यादा लूट मिलता था। ऐसे बहुत सारी चीज़ें थी जो कि आप लोग शायद यूज़ भी किए होंगे, बट आप लोगों को कोई भी रिजल्ट इसका देखने को नहीं मिला होगा। सो गाइज मैं आप लोगों को सबसे पहले अपनी लाइव प्रूफ दिखा देता हूँ अटैकिंग लॉक का। इस जगह आप लोग गाइज खास तौर पे आप लोग डार्क पे थोड़ा ध्यान दो, देखो मेरी कितनी लूट है। सो सबसे पहली अटैक्स हुए गाइज हम लोग का, उसमें 7100 की लूट है, सेकेंड में 5600, थर्ड में 3000, फोर्थ में 7800, यहाँ पे फिफ्थ सिक्स की बातें करो तो यहाँ पे देख सकते हो कितनी ह्यूज अमाउंट में आप लोगों को डार्क की लूट यहाँ पे देखने को मिल रही है। 4.7K, 4.4K, ऑलमोस्ट 9000 तक का भी डार्क आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिल रहा है। जैसा कि मैं आप लोग यहाँ पे स्लाइड करके दिखा देता हूँ, आप लोग सारी यहाँ पे अमाउंट देख लो यार, कितना ह्यूज अमाउंट में हम लोग को यहाँ पे डार्क देखने को मिल रहा है। अब इसी के साथ एलिक्सियर और गोल्ड भी देखो यार, आप लोग को 10 लाख तक का भी यहाँ पे एलिक्सियर गोल्ड देखने को मिल जाता है बहुत ही आसानी से। तो गाइज आप लोग को किस तरह से फार्मिंग करना है मैं आप लोग को खुद फार्मिंग करके बताऊंगा गाइज इस वीडियो में। सबसे पहले गाइज मैं आप लोग को टिप्स एंड ट्रिक की बातें करूंगा कि आप लोग को क्या करना है। जेन्युइन टिप्स एंड ट्रिक है गाइज, आप लोग इसे फॉलो करना, और गाइज ये वीडियो देखने के बाद आप लोग जाना इस टिप्स एंड ट्रिक को आजमाना। अगर फिर भी आप लोग को लूट नहीं मिलता है गाइज तब मुझे बताना कमेंट सेक्शन में, मैं डेफिनेटली बोलता हूँ आप लोग को लूट 100% इसके बाद मिल ही जाएगा। सो उसके पहले गाइज हम लोग वीडियो की लाइक एवं हम लोग 1000 रखते हैं, होप सो आप लोग कंप्लीट कर दीजिएगा। और उसी के साथ साथ यहाँ पे पहला टिप्स की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। पहला टिप्स में आता है गाइज आप लोग का लीग। लीग में गाइज आप लोग को ट्रॉफी लेवल मेंटेन रखना है, 2000 से लेकर के 2600 के बीच में ही आप लोग को रहना है, उसके नीचे भी मत जाइए ना उसके ऊपर जाइए। गाइज काफ़ी लोग बोलते हो गोल्ड में काफ़ी लूट मिलता है, मिलता है गाइज टाउन हॉल 7, टाउन हॉल 8 के लिए, बट उसके अगर ऊपर जाओगे तो नीचे लूट एकदम खत्म हो जाएगा, वैनिश हो जाएगा यार, कुछ भी नहीं मिलेगा। आप लोग ये वीडियो तभी देख रहे हो जब आप लोग को कुछ भी लूट नहीं मिल रहा है। तो गाइज इसी का सॉल्यूशन है, आप लोग ट्रॉफी लेवल मेंटेन करो। सबसे पहला टिप्स है गाइज आप लोग ट्रॉफी लेवल मेंटेन करो क्रिस्टल में, 2000 से लेकर 2600 तक आपके ट्रॉफी लेवल्स होने चाहिए। अगर चाहो तो 1900 भी कर सकते हो, इसमें मैं एकदम एग्जैक्ट पॉइंट नहीं बता रहा हूँ, बट मैं आप लोग को एक रफ फिगर बता रहा हूँ कितना आप लोग को ट्रॉफी लेवल मेंटेन रखना है। खास करके टाउन हॉल 13 वाले को मैं हमेशा रिकमेंड करूँगा 25-26 तो ज़रूर रखो यार। सो यहाँ पे मैं आगे बढ़ता हूँ। सो यहाँ पे सेकेंड पॉइंट्स की बात करते हैं कि आप लोग को अपना जो आर्मी सिक्वेंस बनाना है फार्मिंग के लिए, वो कुछ इस तरह बनाना है कि वो आर्मी को सिक्वेंस का जो एलिक्सियर का कॉस्ट पड़े वो थोड़ा सा हाई पड़े गाइज। एकदम जो आप लोग गिवाच वाली फार्मिंग करते हो ना, उस आर्मी सिक्वेंस को आप छोड़ दो यार, मतलब अब उतना कोई भी प्रॉपरली वर्क नहीं करता है। अब आप लोग को एकदम रस बेसस मिलना ही खत्म हो जाएंगे गाइज, सभी लोग एक ही ट्रिक्स अजमाते हो, सब लोग नीचे लीग में रहते हो, सब लोग फार्मिंग करते हो, तो कहाँ से इतने सारे रस बेस आएंगे। तो गाइज यहाँ पे अब आप लोग को करना क्या है, थोड़ा सा ना अपना एलिक्सियर का सेटिंग्स चेंज करो आर्मी का। इसमें गाइज मैं आप लोग को हाईली रिकमेंड करूँगा कि आप लोग ड्रैगन अटैक स्ट्रेटजी परफॉर्म कर सकते हो, या फिर इलेक्ट्रो ड्रैगन परफॉर्म कर सकते हो, या फिर लूनियन अटैक स्ट्रेटजी परफॉर्म कर सकते हो, लूनियन मिनियन अटैक स्ट्रेटजी परफॉर्म कर सकते हो। अगर ग्राउंड की बातें करें तो माइनस अटैक स्ट्रेटजी परफॉर्म कर सकते हो। ऐसे कुछ अटैक स्ट्रेटजी हैं जो कि आपका जो एवरेज एलिक्सियर कॉस्ट आएगा 3,50,000 के आसपास आएगा। ऐसे आर्मीज को यूज़ करोगे तो आप लोगों को डेफिनेटली लूट मिलेगा। तो गाइज आप लोगों को मैं टिप्स बताया हूँ, इसके बाद आप लोग एक बार जाकर के गेम खोल करके ये सारे टिप्स को अजमाना। सो गाइज चलिए यहाँ पे मैं आप लोग को सबसे पहले लाइव प्रूफ दिखाता हूँ। इलेक्ट्रो ड्रैगन्स हम लोग के पास आर्मी ट्रेंड है, ओके परफेक्ट। तो चलिए यहाँ पे मैं इलेक्ट्रो ड्रैगन्स के आर्मी ट्रेंड लेके चलता हूँ, और इसी के साथ मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कितना लूट मिलता हो। 10 सर्च करेंगे, पहला सर्च है गाइज देख सकते हो 5000 की डार्क लिग्जे मिली है और 5 लाख का यहाँ पे गोल्ड का भी लूट मिला है। ओके आर्मी आपके ऐसी है कि आप लोग मैक्स से मैक्स बेसिस को भी इजीली टेक ओवर कर दोगे। यहाँ पे देखो दूसरा सर्च किए 6 लाख का यहाँ पे गोल्ड का लूट मिला है, 4000 ऑलमोस्ट 3,500 का डार्क का लूट है। तीसरा सर्च करते हैं, सो यहाँ पे तीसरा सर्च में देखो ऑलमोस्ट 4,200 का यहाँ पे डार्क का लूट है, और एलिक्सियर का लूट 5 लाख है, और यहाँ पे गोल्ड का लूट 6,33,000 है। कितना ह्यूज है। नेक्स्ट सर्च करते हैं,
और यहाँ पे देखो यार नेक्स्ट सर्च में 4.6K यानी 4600 का डार्क का लूट मिल रहा है, 5 लाख का यहाँ पे लिग्जर है और 4 लाख ऑलमोस्ट 45,000 का यहाँ पे गोल्ड मिल रहा है। यहाँ पे देख सकते हो हर एक सर्च में आप लोगों को कितना लूट मिलेगा, यहाँ पे इस बेसिस में नहीं मिला गाइज। अब ऐसा नहीं है कि 10 बार सर्च करोगे 10 बार ही आप लोगों को मिलेगा, बट यहाँ पे फिर भी आप लोग डार्क देख सकते हो 4.5K का यहाँ पे आप लोगों को डार्क देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे फिर से देखो बहुत सारे लूट है यार, बहुत सारे लूट है देख सकते हो यार। मैं यहाँ पे फॉरवर्ड करते जाता हूँ, फिर से देखो यार कितनी शानदार लूट है। और आगे बढ़ते हैं, फिर से देख सकते हो गाइज क्या शानदार लूट है यार, ऑलमोस्ट 6 लाख की लूट आप लोग गोल्ड एलिक्सिर की मिल रही है। देख सकते हो यार मैं सभी चीज़ों को लाइव प्रूफ के साथ शो कर रहा हूँ, क्या बात है यार। पर देखो यार 8 लाख की गोल्ड की लूट मिल रही है, अमेजिंग यार। चलिए हम लोग इस बिजनेस पे अटैक्स को परफॉर्म भी कर लेते हैं। अब आपके जो ट्रूप सिक्वेंस है गाइज, उन ट्रूप सिक्वेंस को लेकर के आप लोग इन सारे बेसिस पे 3 स्टार बहुत ईजी कर पाओगे यार, सारे के सारे रस बेसिस हैं। तो चलिए हम लोग इस बेसिस पे अटैक्स को परफॉर्म करते हैं, बहुत ही शानदार सा बेसिस है। सिंपली आप लोग को अपने क्वीन को लेकर के सेंटर में जाना है और इलेक्ट्रो ड्रैगन्स के साथ फनलिंग करके अटैक्स को परफॉर्म करना है, सारे के सारे लूट्स आ जाएंगे गाइज, कोई दिक्कत वाली बातें नहीं है। सीसी नहीं भी ले जाते हो तो कोई दिक्कत वाली बातें नहीं है, हम लोग सीसी नहीं लिए हैं यहाँ पे देख सकते हो यार। और क्वीन यहाँ पे अगर सेंटर में आ जाती तो यहाँ पे बहुत ही शानदार जगह कुछ और देखने को मिल जाता, बट इट्स ओके यार कोई बात नहीं। यहाँ पे आप लोगों को मैं बताऊँगा कि किस तरह से आप लोग ऐसे रस बेसिस पे किस पॉइंट को ध्यान रख करके आप लोग अटैक्स को परफॉर्म करना है। बेसिकली जो आप लोग को ध्यान रखना अगर इलेक्ट्रो ड्रैगन्स कर रहे हो तो एयर स्वीपर और यहाँ पे एडी का ध्यान रख के अटैक्स करना, ईजी 3 अप होगा गाइज, कोई गुजारिश ही नहीं है कि आप लोग का 3 ना हो। सो यहाँ पे देख सकते हो ऑलमोस्ट यहाँ पे क्लियर हो चुका है बेसिस, हम लोग थोड़ा सा वेट करेंगे इस जगह, क्वीन को अंदर आने देंगे, क्वीन जितना टेक ओवर कर लेती है वो उतना ही फ़ायदा होगा हम लोग के लिए। कोई बात नहीं, 1 मिनट 30 सेकंड तक आप लोग यहाँ पे क्वीन वॉक जो करना है करो गाइज, उसके बाद यहाँ पे ज़्यादातर चीज़ों को मैटर किया जाता है। और यहाँ पे देख सकते हो लगभग जितना क्वीन हेल्प कर सकती थी उतना कर दिए गाइज। अब हम लोग जितने भी अपने इलेक्ट्रोज हैं उनके साथ सेंटर में घुसेंगे, ओके। यहाँ पे एक हम लोग रेड स्पेल ड्रॉप डाउन कर देंगे और एक यहाँ पे हम लोग फ्रीज स्पेल ड्रॉप डाउन करेंगे, और देख सकते हो बहुत ही शानदार यार, बहुत ही शानदार। एंड कुछ इलेक्ट्रोज गए हैं सेंटर में। एंड यहाँ पे वार्डन की एबिलिटी हम लोग कब करें, जब टाउन हॉल 12 होगा, तो इसी समय टाउन हॉल को फटते वक्त आप लोग कर लेना। टाउन हॉल 12 नहीं हुआ तो आराम से वेट करो गाइज, जब तक आपको मैसिव डिस्ट्रक्शन का सामना ना करना पड़ जाए तब तक आप लोग वेट करो आराम से, और उसके बाद आराम से छोड़ना गाइज, कोई यहाँ पे हड़बड़ी की ज़रूरत नहीं है, टाइम हंट नहीं होगा। बेसिस ऐसे होते हैं गाइज कि आप लोगों को टाइम हंट होने का सिचुएशन ही नहीं क्रिएट होता है। और आपने जो फ्रीज लेके गया गाइज, फ्रीज का बहुत ही सही ढंग से इस्तेमाल करना, यहाँ पे मैं इस्तेमाल कर लेता हूँ, ओके यहाँ पे रेंज में नहीं है, कोई बात नहीं, फिर तो बहुत ही आसानी से हम लोग बच जाएंगे। एंड वार्डन की एबिलिटी यूज़ कर लेते हैं इस जगह, क्या बात है। एक रेस्पेल जाएगा और एक रेस्पेल के साथ साथ यहाँ पे देख सकते हो बहुत ही ईजी अब क्लियर हो चुका है। और कुछ यहाँ पे ड्रैगन्स, ऑलमोस्ट 4 to 5 ड्रैगन्स और बचे हैं, इजी क्लियर होगा गाइज, इजी क्लियर होगा, डोंट वरी, सारे लूट्स आप लोग ले लोगे। यहाँ पे देख सकते हो कोई भी लूट हम लोग का नहीं छूटने वाला है। और गाइज इस तरह से आप लोगों को अटैक्स को परफॉर्म करना है। और इसमें गाइज सबसे बेस्ट चीज़ क्या है गाइज, आप लोगों को पता है कि आप लोग का बेस्ट वे में प्रैक्टिस होता रहेगा ऐसे कुछ अटैक स्ट्रेटजी में जो कि आप लोग वॉर में यूज़ करोगे। ये सारी अटैक स्ट्रेटजी वॉर में भी यूज़ करने लायक है, तो प्रैक्टिस के साथ साथ आप लोग का फार्मिंग बहुत ही इंटेंस होगा। सो ऐसे आप लोग यूज़ करो, अगर आप लोग का फिर भी वर्क नहीं करता तो मुझे कमेंट में बताओ यार, मैं आप लोग के लिए फिर भी कुछ ना कुछ ज़रूर जुगाड़ करूँगा। सो देख सकते हो बहुत ही ह्यूज अमाउंट ऑफ लूट हम लोग इस जगह लूटे हैं, तो आप लोग भी इस तरह से फार्मिंग करो, बहुत ही शानदार फार्म कर पाओगे गाइज। और हम लोग मिलते रहेंगे इसी तरह के न्यू इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना बिल्कुल मत भूलना गाइज। सो बाय क्लैशर्स, हैव अ गुड डे, क्लैश ऑन।